सावन की पहली सोमारी है और रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भक्तों की काफी भीड़ है। लोहरदगा से लगभग 1000 जो श्रद्धालु हैं, कंवरिये हैं, वो रांची के पहाड़ी मंदिर पहुंचे हैं और पैदल चलकर आए हैं। तो ये आप देखेंगे, आज का जो यूथ है वो धर्म को लेकर के भी बड़ा कॉन्शस है, क्योंकि धर्म ही एक बड़ा माध्यम होता है अपने व्यक्तित्व के विकास में। कहाँ से आए पैदल? पूरा डिटेल पूरा, मतलब कि 21 तारीख को हम लोग रविवार को निकले थे सुबह 6 बजे, वहाँ से पैदल यात्रा रात भर पैदल चल करके सर यहाँ आए। ये हर साल आते हैं कि? प्रत्येक वर्ष 20 वर्ष से आते हैं हम लोग। हर सोमारी में आएंगे? हर सोमारी, प्रथम सोमारी में, प्रथम सोमारी, पहला सोमारी आते हैं। हाँ, हिंदू राष्ट्र की के मांग लेकर के बाबा को आज जला अर्पण करेंगे हम लोग। चलिए, आप हाँ कितना समय लगा पैदल आने में? ये बहुत समय लगा। कब चले थे? वो चले थे हम लोग वहाँ से 12 बजे। नहीं, दिन में। हाँ, आप बताइए जी। लोहरदगा से मैं संदीप कुमार ठाकुरपुर, लोहरदगा से, मतलब लोहरदगा से प्रस्थान है यहाँ बाबा धाम के लिए। हम लोग वहाँ 10:30 बजे निकले, उसके बाद हम नदी जल उठाएँ 12 बजे, 12 बजे जो चले हैं, रात में विश्राम किए, उसके बाद अभी सुबह सुबह मंदिर प्रस्थान। ये जो सभी जो कंवरिये हैं, वो कंवरियाँ हैं, वो पहुँचे हैं, आप भी लोहरदगा से हैं, कहाँ से आए हैं? हम लोग लोहरदगा जिले से पैदल चलकर बाबा पहाड़ी मंदिर में जलार्पण हेतु पहुँचे हैं। ऐसा क्या मन में आप लोगों ने ठाना कि पैदल चलना है? दूरी भी देखिए, ये पिछले 20 वर्षों से चलती आ रही है। लोहरदगा से हर वर्ष लगभग 2 से 2500 की संख्या में कांवरिया झूमते हुए आते हैं बाबा पहाड़ी में जलार्पण के लिए। सभी में मन में भक्ति है, बस इसी भक्ति की वजह से सब लोग झूमते गाते नाचते लोहरदगा से पैदल चलकर बाबा पहाड़ी में जलार्पण हेतु पहुंचते हैं। श्रावण मास इस बार सोमारी दिन से जो है, सोमवार दिन से जो प्रारंभ हो रहा है। भोलेनाथ का जो है का दिन सोमवार है और 22 जुलाई से जो है श्रावण मास का प्रारंभ हो रहा है और 19 अगस्त को जो है रक्षाबंधन के दिन जो है सोमवार दिन ही जो है समाप्ति हो रहा है। इसलिए बाबा भोलेनाथ इस बार जो है भक्तों पर विशेष कृपा करके ऐसा संजोग बनाए हैं कि बाबा भोलेनाथ को जलार्पण करके, पूजा करके, ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जो भी मनोकामना हो, मन की इच्छा हो, दुख तकलीफ हो, भगवान के सामने व्यक्त करते हुए जलार्पण करें और उसका निश्चय ही जो है दुख तकलीफ जो है उसका समाप्त होगा और भगवान की तरह इस लोक में शोक भोग करके अंत में परम गति शिवलोक की प्राप्ति होगी। पहाड़ी मंदिर में जलाभिषेक करना और वो भी पहली सोमारी का, और ये सिलसिला जो है काफ़ी लंबे समय से होता आ रहा है। शुरुआती समय में काफ़ी कम लोग थे, लेकिन आज जो है 1 से 1500 लोगों की भीड़ है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन नवल के साथ अंजनी कुमार, रांची।